रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ की तरफ से मैं अभी सभी मेहमानों का, न्यू मेंबर्स, हमारे सीनियर रोटेरियन सभी का स्वागत करता हूं। हमारी रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ के बैकबोन सोमिंदर शर्मा अर्चना जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां हैं सिर्फ उनकी वजह से। अगर 12 साल पहले विजन ना होता अर्चना जी का, हमें मौका नहीं मिलता। उनका एक विजन लेके हम चले और यहां तक पहुंचे। सेवा बाप से और दुनिया के सबसे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म, मैं गर्व महसूस करता हूं। पिछले 7 साल से मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ हूं। रोटरी जब मेरे पिन सीने पे होती है, मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं हमेशा पिन पहन के चलता हूं, लोगों को मिलता हूं और हमेशा इनवाइट करता हूं रोटरी में आए। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे आप दुनिया की सहायता कर सकते हैं, जरूरतमंद तक पहुंच सकते हैं। आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत लोग आपके साथ आते हैं। नेक्स्ट, हम रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ से आपके जरिए, आपके दी हुई मेंबरशिप फीस के जरिए हम जो कार्य करते हैं वो आप तक पहुंचते रहते हैं। लेकिन आज मैं बहुत शॉर्ट में आप तक पहुंचाऊंगा। एक कदम महिला सशक्तिकरण की ओर जो मैंने लास्ट फरवरी में आपके साथ, आपके सहयोग से आगे बढ़ाया था, उसमें हम 10 सेंटर पूरे जयपुर में खोल चुके हैं। एक सेंटर पे 100 महिलाएं हम एडमिशन उनको दे चुके हैं और वो सिलाई सीख रही हैं आप सभी के सहयोग से। आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं, ये कम है क्योंकि ये आपके सहयोग से हुआ है। प्लीज जो भी बातें कर रहे हैं मेरी तरफ ध्यान दें। प्लीज सीनियर रोटेरियन, हमारा मिशन, मैं 5000 महिलाओं को सिलाई सिखाना, उनको सिलाई मशीन देना, छोटे छोटे फाइनेंस उपलब्ध करवाना और उनको बुटीक खुलवाना, ये हमारा एम है। हम 10 महीने में, एक महीना निकल चुका, 10 महीने में हम 5000 महिलाओं को सिलाई सिखाएंगे। इसकी लोकेशन हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद मेरी बहनों के लिए, जरूरतमंद बहनों का मैं यूज करूंगा। हर सेंटर से 500 महिलाओं को सैनिटरी पैड जाते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। वहां रजिस्टर लगा हुआ है, जरूरतमंद महिलाएं वहां अपनी एंट्री करती हैं, आधार कार्ड की एंट्री करती हैं। 500 सैनिटरी पैड हर महीने हर सेंटर से जा रहे हैं। ऐसे 10 सेंटरों तक हमारा लक्ष्य, लास्ट 10,000 थे, इस साल मैं 50,000 का टारगेट लेके चल रहा हूं क्योंकि आपकी वजह से। ब्लड डोनेशन कैंप हमारे क्लब की पहचान है, मैं 7 साल से जुड़ा हूं, हमेशा रिकॉर्ड हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स करवाए हैं। नेक्स्ट, मीडिया हमें बहुत जबरदस्त सपोर्ट करता है हमेशा। नेक्स्ट, मिशन मील हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है, 2300 फूड पैक्ट राजीव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी टीम ने 2300 फूड पैकेट हमने वितरित किए थे कोरोना काल में। मिशन मील को हमने एक मिशन के तौर पे लिया है। हम हर महीने फिक्स परिवारों को इसकी किट बना के दे रहे हैं और हमारे साथ 4 से 5 संस्थाएं एसोसिएट हैं। नेक्स्ट, हमारे साथ जो डॉक्टर हैं कोरोना वॉरियर्स, मुझे खुशी इस बात की है, मेरे साथ कम से कम हमारे क्लब में 12 डॉक्टर हैं जो इतने दुरंधर हैं। हर कोई एसएमएस में बैठा है, कोई सीके बिरला में है, कोई फोर्टिस में, ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। इनके जरिए हमने हेल्थ कैंप्स चलाए और हमने निःशुल्क कोविड वैक्सीन कैंप अर्चना जी की हेल्प से जबरदस्त कैंप मालवी नगर, अदर एरियों में हमने जितना हो सका है उपलब्ध करवाए हैं। इसके लिए अर्चना जी के लिए तालियां बजा सकते हो आप। नेक्स्ट, एक अभी बात आती है सेव गर्ल चाइल्ड, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत हैं, लेकिन सेव गर्ल चाइल्ड पे हमने मैसेज दिया। हमारे सभी रोटेरियन जलमहल पहुंचे, साइकिल चलाया और सेव गर्ल चाइल्ड का मैसेज दिया। इस पे हम काफी वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्री प्लांटेशन, विमलेश जी जैन हमारे चेयरपर्सन है कमेटी के, 5000 हमने लक्ष्य लिया है और हम मंगलवार को एक साथ सूरज मैदान में 200 पौधे लगा रहे हैं। और इन पौधों के अरेंजमेंट में जो मेरे बैकबोन है वो है सुमिंदर शर्मा। नेक्स्ट, ये हमने शपथ ले लेके पूरे रोटेरियन को शपथ दिलाई है बकायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि आप पेड़ लगाओगे। नेक्स्ट, एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, एजुकेशन में हमारे क्लब में बहुत अच्छी लेक्चरर हैं, उनको हमने हमारे साथ एसोसिएट किया है।
हमारे क्लब के नरेश मेहता जी, संजय नरेनिया जी, कुलदीप राठौड़ जी बामाशाह ने मुझे कमिटमेंट किया है 500 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का, और आशा गुप्ता जी, जितेंद्र कौर जी, ये जो एजुकेशन सेक्टर से सभी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके सहयोग से हम अच्छे बच्चों को निकाल रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जिनकी अच्छी परसेंटेज आती है, उनको हेल्प चाहिए, तो हम उनकी हेल्प करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम फेलोशिप, अब कई तो मेरे साथी ये सोच रहे होंगे ये सोशल वर्क, जैसे मैंने प्रेसिडेंट का मेरा नाम अनाउंस हुआ था तो कई मेरे दोस्त ये सोच रहे थे इस साल तो सोशल वर्क ही होना है और कुछ नहीं होना, ये सोशल वर्क ही करेगा। आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ है, हमने ये भाई वापिस लेना, ये अमर जवान ज्योति से हमने एक फेलोशिप प्रोग्राम किया था, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, हमारे 50 रोटेरियन ने साइकिल चलाया था। नेक्स्ट फ्रेंडशिप डे हमने सेलिब्रेशन किया, एक नई प्रथा हमने चलाई है कपल बोर्ड मीटिंग, सभी बोर्ड मेंबर्स उन्हीं को हम अलाउ करते हैं जो कपल के साथ आता है, अगर कोई अकेला आता हो घर में बोल देना मुझे, भाभी जी मैं हमेशा कपल के साथ बुलाता हूँ, कोई ऐसा हो जो अकेला घर में बोल के तो मुझे बोल देना, ये सेलिब्रेशन था। नेक्स्ट हम इस साल, मैं वादा करता हूं, 5 डोमेस्टिक टूर करेंगे, 2 म्यूजिकल नाइट, क्योंकि मेरे साथी रोटेरियन जो हमारे क्लब में, हमने सुमिंदर जी ने मुझे हमेशा सिखाया है हर सेक्टर का पर्सन होना चाहिए, हमारे बीच में धुरंधर पंजाब के सिंगर जीती जगजीत जी हैं, प्लीज उनके लिए तालियां बजा दिए, और वो हमारे क्लब के मेंबर भी हैं, रहमान अली, जवेद हुसैन, ये हिंदी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के धुरंधर सिंगर हैं, ये भी हमारे साथ हैं। अभी म्यूजिकल नाइट, ये ही आपको पूरा एक म्यूजिकल थीम ये ही लोग देने वाले हैं, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक कॉमेडी नाइट, एक बड़ी जबरदस्त थीम हमने रखी है कॉमेडी नाइट में जो जो करेक्टर कॉमेडी नाइट में होते हैं वो हमारे मेंबर करेंगे, सिद्धू का रोल कौन करेगा वो आप सिलेक्ट कर लेना, बाकी सब हम हर टैलेंट निकालना चाहते हैं कॉमेडी का भी। नेक्स्ट 2 पिकनिक टूर, ये कंफर्म है, वादा करता हूं। नेक्स्ट थैंक यू सो मच, इतने बजट होता है, स्पॉन्सरों से बात करेंगे फिर। अभी आप लोगों के लिए अवार्ड सेरेमनी है, आप सबके लिए अवार्ड है, आपने लास्ट ईयर बहुत जबरदस्त किया, बने रहें, म्यूजिक का आनंद लें, थैंक यू सो मच।